मैं उसका दीर्घायु से तीर्थ करूंगा। कौन सा आयु? दीर्घायु। समझते हो? लंबी आयु। इसलिए जो बोलते प्रभु मुझे लेने आओ, प्रभु बोल रहा है तू क्या कर, मैं तुझे तृप्त कर सकता हूँ। yes. लंबी आयु से। yes. तृप्त का समझते हो आप? तृप्त का मतलब क्या है? yeah. जैसे कि मोहन भैया क्या करे, खाना खा रहे, भैया का पेट अभी भिगा है, भरा हुआ नहीं है भैया, और क्या करेगा? इसको बोलना है क्या है? ये तब तक भरो जब तक एक, उसके बाद आपको लगेगा मैं क्या हूँ। सबकी बात है, अभी आप खाना खाओगे, इसके बाद आप क्या करोगे, अपने पेट को तृप्त करने की कोशिश करोगे। तो एक्चुअल में लोग ज्यादा नहीं खा रहे, वो अपने आप को तृप्त करना चाह रहे। आपको समझ आ रही है? यदि आपका बैलून इतने बड़ा है तो बंदा खाना नहीं खा रहा ज्यादा, वो तृप्त करना चाह रहा है उस बैलून को। चलो समझेगा। तो परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर आपको लंबी आयु से क्या करेगा? तृप्त करेगा। यदि आप 80 साल से तृप्त नहीं हो तो 100 साल में चले जाओ। प्रभु मैं और जीना चाहता हूँ। खुश समझ आ रही है? तो परमेश्वर आपको मारने नहीं आएगा। परमेश्वर आपको उठा लेने नहीं आएगा। परमेश्वर आपको तृप्त करेगा जब तक आप जीना चाहते हो, वो भी शांति के साथ, वो भी समृद्धि के साथ। आपको समझ आ रही है? तो ये इमोशनली टीचिंग्स है कि प्रभु मुझे उठा ले। प्रभु आपको कभी नहीं उठाएगा, आपने खुद बोला, इसलिए आप जा रहे हो ऊपर। बोलते हैं मैं तुझे लंबी आयु से क्या करूंगा? मूसा क्या था, 120 साल होने के बाद भी उसकी आंखें कभी धुंधले नहीं पड़े, उसके पैरों में कभी कमजोरी नहीं आई, उसके अंदर कौन सा बल था? एक जैसे कि नौ जुबान के जो बंदा के अंदर क्या होता है, शक्ति होती है, बल होता है, ऐसे ही मूसा के अंदर था। प्रभु ने बोला आज तुझे क्या करना पड़ेगा, तू ज्यादा जी चुका है, 120 साल तू क्या होता है जी रहा है, तुझे क्या करना है, उस पहाड़ पे जाना है। मूसा बोलता है क्यों जाना है? बोलता है मरने के लिए। परमेश्वर बोल रहा है मरने के लिए। आपको समझ आ रही है? मूसा मरी, मतलब वो मरी नहीं रहा था, क्योंकि प्रभु की हजूरी में इतना रहता था उसका, जो यदि आप शरीर को भी देखते थे ना, नौजवान के समान था। उसके दोस्त जो 80 साल के थे, 90 साल के थे, ऐसे चलते थे। मूसा क्या बोल रहा है परमेश्वर? पर जो 120 साल का था वो क्या कर रहा है? नौजवान के समान चल रहा है। आपको समझ आ रही है? इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मेरे इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आप प्रभु की हजूरी में नहीं हो। आपके लाइफ में एपिकाजी लेवल आज तक एक्टिवेट, आपको उसकी हजूरी में रहना सीखना है, विजिट नहीं करना है, घूमने नहीं आना है चर्च में, हर दिन उसकी हजूरी में रहना सीखना है, हर दिन उसकी हजूरी में बने रहना है आपको। और वो आपको क्या करेगा? दीर्घ आयु से, लंबी आयु से क्या करेगा? तृप्त करेगा। यदि आप 100 साल जीना चाहते हो, जी सकते हो आप, आपके अनुसार वो आपको क्या करेगा? तृप्त करेगा। आपको समझ आ रही है? राजा हेजी का क्या हो गया? प्रॉफिट आता है, जया आता है, बोलता है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला है तेरे अंदर एक बीमारी है और वो बीमारी तुझे मारने जा रहा है। और वो हेजी का राजा डर गया और सबको उसने बुलाया, बोलने का मैं मरने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसने अपने नबी को भेज के। सडनली जब वो यजाया नबी क्या हो गया, उसके घर से निकल गया, वो क्या हो गया, एक कोने में जाकर रोने लगा। उसने बोलने का प्रभु मैंने मेरी भलाई को देख दू, मैंने तेरे लोगों को कैसे संभाला हुआ है, मैं तेरे भय में चलता था, मैं तेरी हजूरी का आदर करता था, पर मैं और जीना चाहता हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। बाइबल कहते हैं सडनली जब यजाया नबी जा रहा था, परमेश्वर का वचन यजाया के पास पहुंचा और बोलने लगा यजाया फिर से जा, उस राजा को बोल दे मैंने 15 साल उसकी उम्र को बढ़ा दी हुई है। आपको समझ आ रही है? यदि वो राजा की उम्र को बढ़ा सकता है, वो आपका क्यों नहीं बढ़ाएगा? हालेलुया। बीमारी में मार नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम समय मार नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने आपको क्या दी हुई है? लंबी आयु से वो आपको तृप्त करेगा इस वचन के अनुसार। ये कब पॉसिबल है? जब आप उसकी हजूरी में बने रहोगे, जब आप उसकी उपस्थिति में बने रहोगे। पर जो लोग उसके आज्ञा को नहीं मानते, वो तो चाहते मैं क्या हो जाऊं, मरी जाऊं, क्योंकि उनके पास बल नहीं होगा, दलेरी नहीं होगा, मैं उसके पास क्या करूं, जाके उसको कुछ मांगू। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लाइफ में आज दलेरी पता क्यों नहीं है प्रभु के पास जाने के लिए? यदि पास्टर सपना ने आपको कुछ बोली हुई है भाई आपको ये नहीं करना है, और आप वही काम कर रहे हो, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना इनके बोलने के अनुसार,
वो इनके पास आने से डरेंगे। उनको ये पता होगा भाई पास्टर ने कुछ बोला था, हमने माना नहीं है। तो आने से हो क्या होंगे, आप ही जाएंगे ना खुल के बातें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने बोला था हमने माना नहीं है। तो जब हम प्रभु के जैसा जीवन नहीं जीते ना, हम उसके करीब जाने से डरना शुरू करते हैं। आपको समझ आ रही है? तो जब आप उसकी इच्छा के अनुसार चलना शुरू करते हो, आप दलेरी के साथ उसके पास आते हो। आपको पता है मैंने प्रभु के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया, उसके हर वो वचनों को मैंने माना हुआ है, हर वो वचनों के अनुसार मैं चलता हूँ। तो आपके अंदर दलेरी आना शुरू करेगा, आप फिर डरना भूल जाओगे। आपको समझ आ रही है? आप दलेरी के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन में जाओगे, जो आपको चाहिए आप ले लोगे। आप समझ रहे हो? हालेलुया। ना होने की वचन की ज्ञान या रेवलेशन ना होने की कमी से वो क्या हो रहे हैं, खत्म होते हुए जा रहे हैं, मरते हुए जा रहे हैं। तो एक्चुअली मैं आपको अभी बताऊंगा, प्रभु आज किसी को नहीं मार रहा है। उस लोग बोलते भैया मुझे प्रभु के पास आना है, प्रभु मुझे बुला ही लेना, मैं यहां से क्या कर लूंगा, चला जाऊंगा, मुझे यहां रहना पसंद नहीं है। आपको पता है यीशु को किसने मारा? उसने खुद अपने आप को मारा। यीशु को कोड़े लगाया उन्होंने, वो मरा नहीं। बोलता है बाइबल बोलती है क्रूस के ऊपर टंग रहा था, उसके आगे पीछे कहते हैं दो डाकू थे, वो मर गए, पर यीशु मसीह क्या है, जीवित है। उनके कोड़े भी यीशु को मार ना सका। बाइबल बोलते इतना बड़ा कांटों की ताज उसको क्या कर दिया, उसके सिर के अंदर घोस दिया। अंदर मतलब आपको समझ आ रही है? उसके अंदर से ब्लड निकलते थे, खोपड़ी उसका निकला हुआ था, तब भी यीशु नहीं मरा। आपको समझ आ रही है? तो उसके साइड के दो बंदे थे, वो क्या हो गए, डाकू मर गए। यीशु बोलता है पिता मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ, उसने अपने आप को ही मार दिया। आपको समझ आ रही है? सैतान सोचता होगा कि मैंने इसको क्या कर दिया, क्रूस में टंगा दिया। अन्य जाति ने यीशु को नहीं मारा, उस समय के राजा ने यीशु को नहीं, उसने खुद अपना आत्मा दिया पिता को। अपना सांस उसने किसको दिया, फादर आई गिव माय स्पिरिट अनटू यू, बोलता मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ। सडनली हो गया। आपको समझ आ रही है? आप अपने आप को मार भी सकते हो और जीवित भी रह सकते हो। परमेश्वर के पास भी सामर्थ नहीं है आपको ले जाए। मुझे सडनली विजन आना शुरू कर, अब क्या गाड़ी चला रहे हो, जेब्रा ला के बोला भाई टाइम होगा तेरा, जेब्रा सुरंदर आके बोला तेरा, अब तो बोला भाई मैं विजिटिंग में जा रहा हूँ, नहीं टाइम हो गया, जो आगे जो ट्रक आएगा उसमें तो क्या हो जाएगा। हमें लगता है ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली फेक न्यूज है। प्रभु ने हमें सेवा के लिए भेजा हुआ है, लेने के लिए नहीं। उसका सेवा कब तक है, जब तक आपका शरीर जलेगा। कौन मेरी बात समझ रहे? आज मैं तोड़ूंगा ये भेदों को, ये जो गलत चीज चल रही है संसार में। प्रभु के पास मैं जाना चाहता हूँ जल्दी से, क्योंकि ये संसार क्या है, बहुत गंदगी में है, बीमारी में है। बीमारी में आप इसलिए हो क्योंकि प्रभु की हजूरी से बाहर हो, उसके पंखों की आड़ में आप नहीं हो। कभी हुआ है? ओके 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 ओके, हम आगे जाएंगे।